उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी शिक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। प्रसार कार्यक्रम प्रबंधन एवं सतत विकास की पिछली इकाई में हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में चर्चा की, जिसमें हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की परिभाषा, उद्देश्य, विशेषताएं, सिद्धांत, मूल दर्शन और कार्यक्रम को सुचारू ढंग से चलाने के बारे में जाना। आज की इस चर्चा में हम भारतीय प्रसार तंत्र को जानेंगे। शिक्षार्थियों, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए 5 स्तरीय प्रशासनिक संगठन बनाया गया और इसी सामुदायिक विकास कार्य का संचालन एवं प्रबंधन केंद्र, राज्य, जिला, प्रखंड तथा गांव के स्तर पर अलग अलग सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है। प्रथम स्तर को हम केंद्रीय स्तर भी कहते हैं। पहले केंद्रीय स्तर पर योजना आयोग ही सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रमों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन तथा धन उपलब्ध करवाने का कार्य करता था। गैर सरकारी संगठन के रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय स्तर पर एक केंद्रीय समिति होती थी, जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद कहते थे। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे। योजना आयोग के सदस्य खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री, सामुदायिक मंत्री तथा सहकारिता मंत्री इनके सदस्य होते थे। अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग गठित किया गया है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा लोकसभा के सदस्यों एवं मंत्रियों की सलाह के आधार पर विभिन्न विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद को समय समय पर सलाह देने के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष मुख्यतः कृषि, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालयों के मंत्री एवं सचिव होते हैं। द्वितीय स्तर राज्य स्तर पर होता है। गैर सरकारी संगठन के रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर राज्य विकास समिति होती है, जिसे राज्य विकास परिषद कहते हैं, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। इसके सदस्य कृषि, शिक्षा, सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग, सहकारी तथा वित्त मंत्रालय के मंत्री होते हैं। सचिव के रूप में विकास आयुक्त होते हैं। विधानसभा के सदस्यों द्वारा इस परिषद को समय समय पर सलाह मशवरा दिया जाता है। तृतीय स्तर पर जिला स्तर होता है। इसमें गैर सरकारी संगठन के रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर जिला परिषद होती है, जिसके अध्यक्ष संबंधित कलेक्टर अथवा जिला विकास अधिकारी होते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चलाने के लिए जिला नियोजन समिति होती है। इसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर तथा सचिव जिला नियोजन अधिकारी होते हैं। जिले के अन्य अधिकारी जैसे जिला सहकारी अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला पशुपालन एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी आदि इसके अध्यक्ष होते हैं और मिलकर विकास कार्यों का प्रबंधन एवं संचालन करते हैं। चतुर्थ स्तर को प्रखंड स्तर कहते हैं। गैर सरकारी संगठन के रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए प्रखंड स्तर पर प्रखंड समिति या प्रखंड विकास समिति होती है। इस समिति का अध्यक्ष प्रखंड प्रमुख होता है। प्रखंड विकास अधिकारी प्रखंड समिति के सचिव एवं समन्वयक होते हैं, जो प्रखंड स्तर पर विकास कार्यों को देखते हैं। पंचम स्तर जो बहुत महत्वपूर्ण होता है और जो ग्राम स्तर पर होता है। गैर सरकारी संगठन के रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत के अन्य सदस्यों का निर्वाचन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। अब चर्चा करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICR और उन कार्यक्रमों की, जिनके द्वारा हमारे देश में प्रसार का कार्य अच्छे से ढंग से हुआ है। जिसकी शुरुआत करते हैं ICR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR की स्थापना 16 जुलाई 1929 में हुई थी, लेकिन शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार शिक्षा को कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए इसे सन 1963 और 1975 में पुनर्गठित किया गया। इसके 2 आधिकारिक कार्य क्षेत्र हैं। पहला कृषि पशुपालन एवं मछली पालन, शिक्षा अनुसंधान एवं क्रियान्वयन को आधिपत्य सहायता से आगे बढ़ाना और संयोजित करना। दूसरा कृषि एवं पशु चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।
आईसीआर अध्ययन समिति 1988 ने इसके कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन की सिफारिश की, जिसमें कहा गया कि निर्धारित कार्यक्रमों के अतिरिक्त तकनीकी स्थानांतरण, प्रकाशन और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी इसको सहायता करनी चाहिए। अब जानते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उद्देश्यों के बारे में। इसका पहला उद्देश्य है किसानों, प्रसार कार्यकर्ताओं और राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा अशासकीय संगठन की आवश्यकता को शीघ्र पूरा करने और तकनीकी के उत्पादन व ग्रहण करने में समय कम करने के लिए नवीनतम तकनीकी के प्रदर्शन को आयोजित करना। दूसरा है भारतीय परिस्थितियों में कृषि तकनीकों के प्रदर्शन आयोजित करना। और तीसरा है कृषि की समस्याओं और तकनीक के लिए प्रमुख वैज्ञानिकों के द्वारा फीडबैक करना और आवश्यकता अनुसार शिक्षा, अनुसंधान व प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में परिवर्तन लाना। इसके अलावा राज्य के कृषि विभागों व अन्य अशासकीय संगठनों के प्रशिक्षण एवं संचार के क्षेत्र में सहायता करना। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार कार्य को प्रोत्साहन देने, नीति निर्धारण तथा कृषि विश्वविद्यालय शोध संस्थाओं को वित्तीय सहायता एवं मार्गदर्शन देना और विश्व भर के विभिन्न देशों से अपने देश के प्रसार संगठन के तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए प्रसार में अनुसंधान को सहायता करना भी आईसीआर के उद्देश्य हैं। अगला महत्वपूर्ण विषय है अग्रणी प्रसार शिक्षा तंत्र, जिसे फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन सिस्टम कहते हैं। इसकी 1963 में प्रसार विभाग की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के मुख्यालय में प्रसार कार्यों के मूल्यांकन व प्रोत्साहित करने के लिए स्थापना की गई। 1965 में कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना को आईसीआर के कृषि प्रसार विभाग को स्थानांतरित कर दिया। 1974 में व्यवहारिक अनुसंधान परियोजना यानी ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट और 1974 में कृषि विज्ञान केंद्र और 1989 में प्रयोगशाला से खेतों तक परियोजना, जिसे लैब टू लैंड प्रोजेक्ट भी कहते हैं, इसको आईसीआर ने तकनीकी स्थानांतरण योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय प्रदर्शन यानी नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन की। प्रसार विधियों में प्रदर्शन एक सशक्त माध्यम के रूप में विख्यात है। इसमें कृषक समुदाय कृषि विधियों, उन्नत यंत्रों, बीजों और फसल सुरक्षा संबंधी तकनीकी की जानकारी प्राप्त करता है। सामान्य प्रदर्शन विधि को प्रभावशाली और योजनाबद्ध ढंग से प्रयोग करने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सन 1965 में राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना प्रारंभ की गई। ये प्रदर्शन विषय विशेषज्ञों द्वारा लगभग 1 एकड़ भूमि पर चलाया गया था। इनके द्वारा उत्पादन बढ़ाने में वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक क्षमता का पता चलता था तथा किसान को अधिक उपज देने के लिए नई विधियों का प्रशिक्षण भी मिला। साथ ही साथ लागत एवं आय का पूरा ब्यौरा भी कृषकों के सम्मुख रखकर उन्हें नई नई कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। राष्ट्रीय प्रदर्शन ने 1965 से कई महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा किया। प्रथम चरण 1965 में अधिक उपज देने वाली फसलों की क्षमता को प्रदर्शित किया। द्वितीय चरण 1967 में निश्चित क्षेत्र पर निश्चित समय में अधिक उपज वाली कई फसलें लेकर उपज बढ़ाना रहा। तीसरा चरण 1969 में सघन रूप से राष्ट्रीय प्रदर्शनों को जिलों में फैलाया गया। चौथे चरण 1970 में प्रदर्शनी ने किसानों को नई तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराई। अगला है प्रयोगशाला से खेतों तक यानी लैब टू लैंड प्रोग्राम। यह कार्यक्रम जून 1979 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्वर्ण जयंती के अवसर पर शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य कार्य साधन रहित किसान परिवारों को खेती की नई तकनीक को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे खेती की पैदावार बढ़े और अंतिम रूप से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए। ग्रामीण परिवार ही इस कार्यक्रम के केंद्र हैं। केवल सीमांत किसान, बटाई पर बोने वाले किसान, भूमिहीन मजदूर तथा शिल्पी कारीगर ही इसके अंतर्गत शामिल किए गए। यह कार्यक्रम चुने हुए कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान, स्वयंसेवी संस्थाएं तथा राज्य के विकास विभागों के माध्यम से शुरू हुआ था। इस कार्यक्रम के कुछ मुख्य उद्देश्य थे, जैसे कृषक परिवारों की पैदावार को बढ़ाना, उन्हें पूरा रोजगार उपलब्ध कराना तथा रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाना। दूसरा, साथ ही प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों के लिए ऐसा तरीका निकालना जिससे वे किसानों की समस्याओं और आवश्यकताओं को समझें तथा यह भी जान सके कि किसान को नई तकनीक को अपनाने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं।
कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी थे, जैसे चुने हुए किसानों के फसलों तथा पशुओं पर आधारित कार्यक्रम को बनाना, भूमिहीन मजदूरों के लिए पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि कार्यों में सहायता करना, शिल्पी कारीगरों के लिए कृषि यंत्रों को बनाने तथा ठीक करने के काम में प्रशिक्षण द्वारा उनका कौशल बढ़ाना, ग्रामीण महिलाओं का संबंधित कार्यों में प्रशिक्षण द्वारा कौशल बढ़ाना। इसके बाद है व्यवहारिक अनुसंधान परियोजना यानी ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना से प्राप्त अनुभव के आधार पर एक नई धारणा मिली, जिसमें एक क्षेत्र अथवा जलाशय के आधार पर राष्ट्रीय प्रदर्शन आयोजित करना सबसे बेहतर समझा गया। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने व्यवहारिक अनुसंधान परियोजना 1974 में प्रारंभ की। इस परियोजना में समान दृष्टिकोण रखा गया था ताकि स्थानीय एजेंसियां, स्वैच्छिक संगठन, राज्य विकास विभाग, कृषि विश्वविद्यालय और अन्य संबंधित संस्थाओं के सहयोग से ग्रामीण समुदाय की समस्याओं को सुलझाया जा सके। इस परियोजना द्वारा ग्रामीण विकास के सामाजिक पहलुओं को प्रौद्योगिकी के पहलुओं से प्रभावपूर्ण ढंग से जोड़ने का प्रयास किया गया। ये परियोजनाएं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रसार एजेंसियों के सहयोग से चलाई गई। परियोजना के कुछ मुख्य उद्देश्य थे, जैसे वैज्ञानिक ढंग से भूमि और जल प्रबंध योजनाओं को शुरू करना, जिसमें किसी क्षेत्र की पारिस्थितिकी क्षमताओं से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके, जिस कार्य पद्धति को सुधारने के लिए चुना गया हो उसकी अस्थिरता और हानि के खतरों को न्यूनतम करना, और मिट्टी, जल, पौधे, खनिज और मानव श्रम के उपलब्ध साधनों का समाकलित रूप से उपयोग करना था। इसकी कुछ और विशेषताएं थी, जैसे वैज्ञानिकों का किसानों से उनके खेत पर सीधा संबंध होना, कृषि उत्पादन में समन्वित तकनीक का प्रयोग करना, छोटे क्षेत्रों में बहुफसली कार्यक्रमों के विषय में शिक्षित करना और स्थानीय साधनों जैसे भूमि, जल, पशु, मनुष्यों तथा पेड़ों का पूर्ण उपयोग। तो आज की इस चर्चा में हमने जाना कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए प्रशासनिक संगठन 5 स्तरीय बनाया गया है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय, राज्य, जिला, प्रखंड एवं ग्राम स्तर पर विकास कार्यों का प्रबंधन एवं संचालन किया जाता है, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों तक नवीनतम जानकारी पहुंचाने के लिए कार्यरत है। धन्यवाद।